गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वुडन अलमीरा जो कि अभी जल्दी बनी। तो ये है इसकी लाइट और यहाँ फोर पीसेज ऑफ अलमीरा है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये है फर्स्ट मम्मी की, ये है मंदिर और ये है मेरी अलमीरा और ये लास्ट अभी अननोन है, जिसको भी लेनी हो ले सकता है पूरे घर में। तो इस अलमीरा में आपको दिख रहा होगा फोर ड्रॉर्स, फिर भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये सबसे पतला है, ये सबसे मोटा वाला है एंड दीज लास्ट टू आर्स मीडियम। तो मेनली इसमें फोर ड्रॉर्स हैं एंड इस अलमीरा के अपर साइड में एक अलमीरा है जिसमें आप अपने हैंगिंग कपड़े टांग सकते हो, हैंग कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो सबसे मेन चीज़ है ये मंदिर, जो कि सबसे डिफरेंट है इन चारों में क्योंकि ये है मंदिर। सो इसमें है चार घंटियाँ, एक में दो हैं, तीन कमल जिन पे सरस्वती माँ विराजती हैं और दो स्वास्तिक जो घर की सेटिंग में होते ही होते हैं तो मंदिर की सेटिंग में लगाए गए। नेक्स्ट है ये दरवाजे जो कि अंदर हो जाते हैं स्लाइड ताकि पूजा करते वक्त डिस्टर्ब ना करें। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑल अलमीरा, ये इस तरह से बाहर आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर जब पूजा करनी हो खोलो और पीछे ढकेल दो लाइक दिस। एंड नेक्स्ट आप ये सब देख ही सकते हो, बीच में ओम है और ओम के आगे जो रेड कलर की जगह दिख रही है वहाँ पर गणेश जी विराजेंगे। एंड यहाँ पर दो लाइट्स लगी हुई है जो कि मैंने अभी ऑन ऑफ करके दिखाई है आपको। सो ये थी पूरी मेरी अलमीरा और सबसे मेन चीज़ जो कि मेरी मम्मी की अलमीरा पे है वो अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये पूजा में नीचे दो ड्रॉर्स हैं, एक में किताबें रखी जाएंगी और नीचे बाकी सारा सामान जैसे कि प्रसाद, पूजा का सामान और बाकी की चीज़ें। सो ये थी मेन चीज़ एंड ये है मम्मी की अलमीरा जिसमें जो सबसे पतला वाला ड्रॉर है उसमें मम्मी की चूड़ियाँ रखने के लिए बनवाया गया है, जो कि ठीक ही है, आपको बनवाना हो तो बनवाओ, मत बनवाना हो तो मत बनवाओ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।